विदेशी धरती से भारतीय देवी देवताओं का मजाक उड़ाना आम बात हो। कभी किसी प्रोडक्ट पर देवी देवताओं की भद्दी तस्वीरें छाप दी जाती हैं, तो कभी किसी विज्ञापन में उन्हें विरूपित किया जाता है। लेकिन किसी देश की सरकार अगर ऐसी गलती करे तो इसे क्या कहा जाए। बीते दिनों यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट किया, जिसे लेकर भारतीय यूजर्स ने जोरदार विरोध जताया। विरोध को देखते हुए यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन सवाल वही का वही है। आखिर उस बेतुके ट्वीट का क्या मकसद था? क्यों उस ट्वीट पर मां काली का विरूपित रूप दिखाया गया था? रूस के साथ जारी जंग के बीच मां काली की तस्वीर से यूक्रेन का दूर दूर से वास्तविकता नहीं है। उनकी इस नासमझी को लेकर सोशल मीडिया पर भारत के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के ट्वीट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारतीयों ने यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री को जमकर लताड़ लगाई। भारतीय यूजर्स ने गुस्सा जाहिर करते हुए ट्विटर के मालिक एलन मस्क को भी टैग किया और यूक्रेन के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की। इतना ही नहीं, कई यूजर्स ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मामले में दखल देने की मांग की, साथ ही भारत सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध किया। भारतीय यूजर्स की नाराजगी के बाद यूक्रेन की अक्ल ठिकाने पर आई और उसने विवादित ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन अपनी इस शर्मनाक करतूत पर किसी तरह की माफी नहीं मांगी। दरअसल यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने 30 अप्रैल को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें शेयर की थी। एक फोटो में बादल दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरी फोटो में मां काली को हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मर्लिन मुनरो जैसे भाव भगिमा में दिखाया गया था। फोटो के साथ कैप्शन लिखा था कि वर्क ऑफ आर्ट। इस ट्वीट के सामने आने के बाद भारतीयों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यूजर्स ने इस ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। किसी ने कीव को आर्ट ऑफ वर्क बनाने की बात कह डाली तो कई यूजर्स ने जेलेंस्की को जमकर लताड़ लगाई। हालांकि मां काली की अभद्र फोटो साझा करते वक्त यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की क्या मंशा थी, समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि जंग में यूक्रेन का साथ ना देने पर हो सकता है ऐसे ट्वीट जानबूझकर किया गया हो, ताकि भारतीयों की भावना आहत हो। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।